3 दिन में 20,000 रुपए का काम आपका पल्ले से कुछ भी नहीं जाएगा। आपकी सिर्फ वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और ये वो सब मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अदर आपको आपकी मेहनत है बाकी की, और कुछ नहीं। 300, 250, 550 और 700 रुपये का टोटल हमें सेल करना है। 700, 750, इसमें 150 से 200 रुपये बचत हो जाती है। दो बंदे मिलके 20 बना सकते हैं, 150 रुपये एक में बचत होती है, 3,000 रुपये एक दिन में आप कमा लोगे। दोस्तों अगर आप फैब्रिकेशन का, वेल्डिंग का, अपना खुद का कारोबार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आने वाले समय में, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से प्रोडक्ट हम किस में कितनी बचत होती है, किस चीज़ में गेट में कितने रुपए बचते हैं, कितना प्रॉफिट होता है। तो इसी बारे में आज का वीडियो होने वाला है। दोस्तों वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। और मेरा नाम है मोली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम ID MoliSingh1986 है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हर रविवार रात को 9 बजे लाइव आता हूं। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या अनुभव है तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप नया नया धंधा शुरू करते हैं तो आपको बड़े बड़े काम नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे काम आपको स्टार्टिंग में करने पड़ेंगे। अगर आप रेगुलर वर्क करते हैं, जैसे किसी कस्टमर का गेट बनाया, किसी का ग्रिल बनाया, तो ये सब में मान के चलते हैं, अगर एक गेट आपका, वैसे आपको धीरे धीरे मिलने शुरू होंगे, लेकिन फिर भी एक बार गेट से स्टार्टिंग करेंगे। गेट आपका 8x8 का गेट है, तो उसमें आपको मान के चलना है 10 रुपए किलो आपको बचेंगे। अपने कस्टमर से लेना है, जो भाव में आपका लोहा आया है उससे 20 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं कस्टमर से। अगर आपका पाइप 50 रुपए किलो आया है तो कस्टमर से आपने 70 रुपए किलो गेट का रेट लेना है। अगर आपका पाइप 60 रुपए किलो आया है तो आपको 80 रुपए के हिसाब से कस्टमर से पैसे लेने हैं गेट के। तो अगर आपका गेट 1 क्विंटल का हुआ तो आपको 1,000 रुपए बचेंगे। और एक गेट, एक कारीगर और एक हेल्पर पूरा एक दिन लग जाता है बनाने में। अगर आप कोई ग्रिल बना रहे हो, 20 फीट लंबी ग्रिल है और उसमें 1 क्विंटल वजन होता है, वो आप आधे दिन में बना पाओगे, सेम वर्क है। अगर 1 क्विंटल का गेट बना रहे हो तो भी आपको 1,000 रुपए बचेंगे, अगर 1 क्विंटल वजन है गेट में। उसकी बजाय अगर आप 40 फीट लंबी ग्रिल बना रहे हो, 4 पीस अलग अलग बना रहे हो, तो वो भी आप एक ही दिन में बना लोगे, उसमें वजन होगा 2 क्विंटल। लेकिन ग्रिल क्या है, सीधी सीधी पाइपें वेल्डिंग करनी होती है, उसमें आपको सेम वर्क में 10 रुपए किलो के हिसाब से 2,000 रुपए बचेंगे। गेट में 1,000 रुपए थे, ग्रिल में 2,000 रुपए बचे। अब जब आपके पास स्टार्टिंग में काम नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब आपके पास स्टार्टिंग में काम नहीं होगा तो आप ऐसे फ्लावर पॉट स्टैंड बना सकते हैं फ्री टाइम में, जैसे हम भी बनाते हैं। जब हमारे पास और काम नहीं होता तो हम कुछ इस तरह के, हमने काफ़ी सारे काम शुरू कर रखे हैं जो हम बनाते हैं। तो ये हमारा फ्लावर पॉट स्टैंड है, इसमें इसको हम 110 रुपए किलो के हिसाब से सेल करते हैं। आज का जो सरिये का भाव है 60 रुपए किलो है, इसमें हम लगभग डबल कस्टमर से चार्ज करते हैं, 50 रुपए किलो इसकी लेबर लेते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। अगर आपके आप इसके सारे हर तरह के इसके डाइयां वगैरह बना लेते हो तो ये आप एक दिन में 2 बंदे मिलके 1 क्विंटल माल तैयार कर सकते हो, जिसमें कि आपको एक दिन में ही 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। 1,000 रुपए खर्चा निकाल दिया, 4,000 रुपए प्रॉफिट हो सकता है अगर इसका ऑर्डर आपको मिलता रहे तो। अभी आगे चलते चलते हमने एक ये नया पुर्जा बनाया है स्टील का। तो ये जो छोटे छोटे जो आइटम है, ये जैसे कि ये डॉक्टर वाली बोतल लगाने वाला जो पुर्जा है वो है, अभी इसमें यहाँ पे नट लगने वाला है। इसमें वजन है दोस्तों 3 किलो, ये बना है स्टील का। तो 450 रुपए किलो के हिसाब से ये 1,350 रुपए का ये प्रोजेक्ट बना है, 1,350 रुपए का। तो इस तरह के भी आप स्टील के प्रोजेक्ट भी बना सकते हो छोटे मोटे। अब इस साइड में आपको एक सीढ़ी दिखाता हूँ, फोल्डिंग लैडर। तो ये एक यूनिक कंटेंट है, हर बंदा ये काम नहीं करता। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं अपने धंधे में कि वही काम ज़्यादा करते हैं जो दुनियादारी पहले से ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं, गेट ग्रिल बस, और कुछ नहीं। आपको एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा करनी है, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो, ऐसे ऐसे काम करने हैं। ये लैडर हमने कैसे बनाई, इसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में आपको वीडियो देखने मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। ये सीढ़ी हम सेल करते हैं 1,400 रुपए की, 6 फीट साइज है, इसमें वजन है 14 किलो
14 किलो की सीढ़ी 1400 रुपए की, मतलब 100 रुपए किलो। तो ये हर कोई नहीं बनाता है, हमारी मार्केट में हर जगह ये सीढ़ियां इस तरह की फोल्डिंग लैडर नहीं मिलती। अब इसके बाद आप कर सकते हो ये सीढ़ी जो है, सीढ़ी आपकी आज का भाव पाइप का है 65 रुपए किलो, तो ये हम 100 रुपए किलो बेचते हैं, 35 रुपए किलो इसमें मार्जिन है हमें, 35 रुपीज केजी, 10 रुपए किलो वर्कर का खर्चा हो गया, वेल्डिंग का राड वगैरह लग गया, 25 रुपए किलो फिर भी इसमें बचत है। एक दिन में दो बंदे चार पीस बना सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारे कूलर स्टैंड पे। तो कूलर स्टैंड जो है हमारा, ये हम 700 रुपए का सेल करते हैं, जिसमें 250 रुपए के ये टायर लगे होते हैं और 5 किलो एंगल का वजन है। 5 किलो एंगल का वजन का मतलब हुआ 300 रुपए की हमारी एंगल खर्च हुई इसमें, और 250 रुपए के इसमें ये रोलर कोस्टर लग गए 250 रुपए के, 300 और 250, 550 और 700 रुपए का टोटल हमें सेल करना है, 700 साढ़े 700, इसमें 150 से 200 रुपए बचत हो जाती है। अक्सर हम ऐसे भी कस्टमर के साथ डील कर लेते हैं कि भैया 150 रुपए लेबर लगेगी, बाकी जो माल लगेगा उसका प्राइस लगेगा। जैसे लोहा हमारा 65 रुपए किलो है, तो 65 के भाव से कस्टमर से पैसे ले लिए, टायर के अलग से ले लिए, 100 वाला लगाए, 200 वाला लगाए, कोई सा भी लगा सकता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हमारी सीढ़ी। इस साइड में आप सीढ़ी की फोटो देख पा रहे हैं, ये घर में जो सीढ़ियां लगती है ये भी एक अच्छा काम है। अगर आप ये भी बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। जो सीढ़ी हम बनाते हैं घरों में वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहूँगा। सीढ़ी के लिए हमें कुछ इस तरह के स्टेप बनाने पड़ेंगे, ये है हमारे स्टेप सीढ़ी के लिए। और ये सीढ़ी जो है, अगर आप मान के चलो 10 फीट हाइट की छत है उसके लिए आप सीढ़ी बना रहे हो, तो 15 फीट लमसम आपको सीढ़ी बनानी पड़ेगी, जिसका खर्चा लगभग 15,000 रुपये आएगा कस्टमर को, आपको ये आप बता सकते हैं। सीढ़ी में आपको मैं जो रेट बता रहा हूँ ये हमारे खुद के प्राइस हैं, हमने फिक्स किया है। मुझे नहीं पता दुनिया में क्या क्या, आपके शहर में कहाँ क्या रेट चल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई लोग फालतू का ड्रामा बिल्कुल ना करें, जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो हम करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। सीढ़ी में आपको 20 रुपये किलो ऐड कर देना है, मान लीजिए आपका मटेरियल जो है 60 रुपये किलो आया पाइप वगैरह, तो आपको कस्टमर को चार्ज करना है 80 रुपये किलो, हम तो ऐसे करते हैं। 20 रुपये किलो में आपको 10 रुपये किलो की बचत होगी, मान लीजिए 1.5 क्विंटल की आपकी सीढ़ी हुई, आपको सीधा सीधा 1500 रुपये सीढ़ी में बचत आ गई, राड का कारीगर का सारा खर्चा निकाल के। उसके बाद जब सीढ़ी वो हम फिटिंग करने जाते हैं, हमने अपना तरीका हमारा अलग है, कुछ लोग अपनी वर्कशॉप पे सीढ़ी बनाते हैं, हम अगले के घर जाके सीढ़ी बनाते हैं, कंप्लीट सीढ़ी जो अगले के घर जाके बनाते हैं, वीडियो आप ऊपर आई बटन में देख पाएंगे। उसके बाद हम कस्टमर से 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक सीढ़ी की फिटिंग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वो भी हमारी सीधी सीधी बचत हुई। ये स्टेप बनाना और पूरी कंप्लीट सीढ़ी फिटिंग करना एक हेल्पर एक कारीगर का एक ही दिन का काम है। एक दिन में आपने 1500 और 2000 3500 रुपये आपने एक दिन में बना लिए सारे खर्चे निकाल के, ये हो गया सीढ़ी का। अब इसके बाद ये तो थे दोस्तों लगभग सारे छोटे छोटे काम, आगे भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ। ये जैसे हमारी घोड़ा है, इसको हम घोड़ा बोलते हैं, कुछ लोग टेबल भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये शटरिंग वर्क में यूज होता है घरों में, जब घर बनते हैं मकान बनते हैं नए नए, तब उसमें ये यूज होता है घोड़ा। तो ये भी हम किलो के हिसाब से बेचते हैं, क्योंकि ये रेगुलर आइटम है, हर दुकान पे लगभग मिल जाती है, तो इसको हम 85 रुपीज केजी बेचते हैं, जो हमारा जिस रेट में हमारा मटेरियल आता है उससे 20 रुपए प्लस करके इसको बेचते हैं। इसमें 10 रुपए किलो बचत होगी, लगभग इसका वजन 20 किलो है, तो आपको सिर्फ इसमें 200 रुपए बचेंगे। वैसे तो 400 रुपए बचते हैं, 200 रुपए आपका खर्चा आ गया कारीगर का और इधर उधर का वेल्डिंग राड करंट का, 200 रुपए बचेंगे, तो ये कोई बचत वाला काम नहीं है। उसके बाद दोस्तों छोटे छोटे कामों में ये स्टील का ये भी वर्क है, ये है दोस्तों हमारी चारपाई, स्टील की चारपाई, इसका वजन है 10 किलो, 2 इंच पाइप में बनी हुई है ये, इसका वजन 10 किलो है। स्टील का आज का भाव की बात करी जाए
तो स्टील का भाव चल रहा है हमारे यहाँ पे 280 रुपये किलो, हम कस्टमर को देते हैं 400 रुपये किलो। एक दिन में एक कारीगर और एक हेल्पर मिलके ऐसी दो चारपाई बना सकते हैं। स्टील में मगजमारी बहुत होती है, बहुत कुछ साफ सफाई करना पड़ता है, ज़्यादा है काम, इसलिए पूरे दिन में अगर लोहे के बनाने हैं तो लोहे में तो आपको 10 बना लोगे एक कारीगर और एक हेल्पर मिलके, लेकिन अगर आपको स्टील में बनाना है स्टेनलेस स्टील 304 में, तो ये आप दो ही बना पाओगे। 10 किलो वजन है, 4000 रुपये का एक सेल करते हैं हम। टोटल खर्चा निकाल के इसमें एक में आपको 800 रुपये बचेंगे, टोटल खर्चा निकाल के सब चीज़ों का 800 रुपये बचेंगे, दो में 1600 रुपये का काम हो गया पूरे एक दिन का सारे खर्चे निकाल के। अब दोस्तों ये तो थी छोटे छोटे कामों की बात, अब इसके बाद मैं बात करूंगा बड़े बड़े कामों की बात, जो कि आपको आगे चल के करने हैं, आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे, बड़े बड़े वर्क मिलेंगे। तो ये है हमारा प्रोफाइल शीट मेटल की। और कोई कोई भाई तो अभी नीचे कमेंट में ये भी लिखेगा मेरा तो आधे दिन का काम है, ठीक है, तो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आपको प्रोफाइल शेड का काम मिलता है तो सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ये काम सबसे अच्छा है और आपको आगे चल के ये काम मिलेगा। प्रोफाइल शेड कैसे बनता है इसके बहुत सारे वीडियो ऊपर आई बटन में आप प्लेलिस्ट देख पाएंगे, मैंने बना रखा, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। अब इसमें आज के वीडियो में बात करेंगे, बचत की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट की बात करेंगे, बनाने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको 20x50 का एक शेड बनाने मिल जाता है तो दो वर्कर का, एक हेल्पर एक कारीगर का दो दिन का काम है, दो दिन में आप 20,000 रुपये का काम कर दोगे। 1,000 स्क्वायर फीट का आपको शेड मिला है और आप 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 20,000 रुपये का दो दिन में काम कर दोगे। और अगर ज़्यादा ही हुआ, थोड़ा मुश्किल हो गया, कुछ करंट चला गया, माल नहीं पहुँचा, ये वो ऐसे कुछ ड्रामे भी हुए, तो भी आपको 3 दिन में मैक्सिमम आप फिर भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन में 20,000 रुपये का काम, आपका पल्ले से कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी सिर्फ वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और ये वो सब मशीनों की जरूरत पड़ेगी, अदर आपको आपकी मेहनत है बाकी की, और कुछ नहीं। ऐसे ही आपको अगर फाइबर शेड का काम मिल जाता है कहीं पे, ये वाला, ये वाली फाइबर शीट है, फाइबर शीट, पॉलीकार्बोनेट शीट, इस तरह का कुछ काम मिलता है, तो इसमें भी आपको अच्छी खासी बचत हो जाती है। वैसे तो 20 रुपये स्क्वायर फीट का ही हिसाब किताब चलेगा, अगर आप विद मटेरियल कर लेते हो 100 रुपये स्क्वायर फीट, अगर कस्टमर के साथ डीलिंग कर लेते हो विद मटेरियल और 8 किलो की पाइप में फ्रेम बना लेते हो, ढाई ढाई फिट का गैप रख के जैसा हम बनाते हैं, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं फाइबर ग्लास शेड कैसे बनता है, वो भी आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। अगर आपको ये काम मिलता है 100 रुपये स्क्वायर फीट में आप कस्टमर से डन कर लेते हो, तो आपको 30 रुपये स्क्वायर फीट तक की बचत हो जाती है। अगर आप 10x10 का छोटा सा साइज का शेड भी एक दिन में बनाते हो, एक हेल्पर और एक कारीगर मिलके, अच्छा बढ़िया सुंदर काम करना है आपको, उसमें भी आपको लगभग आराम से 2000 रुपये बच जाएंगे। तो आज के वीडियो से मेरा कहने का मतलब ये था, गेट ग्रिल में बहुत लोग सोचते होंगे गेट ग्रिल में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, गेट ग्रिल की बजाय आप या तो ऐसे छोटे छोटे आइटम पे ध्यान दीजिए। आज की वीडियो का सार यही है, पानी पी लेते हैं। या तो आप ऐसे छोटे छोटे काम का ध्यान दीजिए, जिसमें अगर नए नए हैं तो गेट ग्रिल में ज़्यादा आपको फंसने की जरूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा बचत नहीं होती है, सभी को मालूम है, और जिनको मालूम है वो लिख के जरूर कमेंट जरूर करना, भाई गेट ग्रिल में बचत होती है क्या, जरूर बताना जो काम करते हैं, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं, और इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं, ये कूलर स्टैंड आप एक दिन में दो बंदे मिलके 20 बना सकते हैं, 150 रुपये एक में बचत होती है, 3000 रुपये एक दिन में आप कमा लोगे, खर्चा निकाल के 2000 रुपये कमा लोगे, ठीक है। ये सीढ़ी आप बना सकते हैं, दो बंदे मिलके 4 सीढ़ियाँ बना सकते हैं एक दिन में, ठीक है, इसमें भी आपको 1500 रुपये दिहाड़ी बन जाएगी सारे खर्चे निकाल के। तो इस तरह के काम करो और कोशिश करो ये शेड वर्क कहीं आपको मिले बढ़िया वाला, तो उसमें भी अच्छी खासी बचत है। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको, आज की जानकारी कैसी लगी, अगर आपको इसी तरह के टॉपिक पे आगे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैं हर रविवार रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, आपका कोई सवाल सुझाव या अनुभव हो तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं छोटी छोटी जानकारी वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता रहता हूं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वह घंटे का बटन जरूर दबाएं। होगी खत्म होगी वीडियो।
बात करेंगे फैब्रिकेशन के कारोबार में, बिजनेस में, वेल्डिंग के काम में। कट कट कट। दोस्तों, अगर आप फैब्रिकेशन का धंधा शुरू करना चाहते हैं, खुद का अपना वेल्डिंग का कारोबार, वर्कशॉप, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है। कट के द्वारा बहुत ही बेस्ट है, एक नंबर काम है। हम भी बहुत खुश होके करते हैं प्रोफाइल शेड का काम। हाँ, ओए होए मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी कर ले। हो गया दोस्तों, अगर आप अगर एक क्विंटल का गेट बना रहे हो तो भी आपको 1000 रुपए बचेंगे। अगर एक क्विंटल वजन है गेट में, उसकी बजाय अगर आप 200 फीट लंब, उसकी बजाय अगर आप 40 फीट, उसकी बजाय अगर आप 40 फीट लंबी ग्रिल, जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो हम करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सीढ़ी तो ये स्टील का चारपाई, इसको हम 3000 रुपए में सेल करते हैं। 10 किलो वजन आया? नहीं। हाँ, आजा 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 आजा, ऐ करके ऐ कर दे यार, एक बारी बिच ऐ करके ऐ कर दे, थोड़ा जा थोड़ा स्टाइल हो जाएगा। चलती पई सी के वीडियो, ठीक है, ऐ करके ऐ कर दे। तो ये है दोस्तों हमारी चारपाई।